घटना उस दिन रात के ठीक 12 बजे के बाद घटी थी। उस दिन से आज तक इस कमरे में उन लड़कियों की आवाजें सुनाई देती हैं, दरवाजा खटखटाने की आवाजें होती हैं और पूरी घटना फिर से दोहराई जाती है। हर रात उस दिन जो हुआ था वो घटना रिपीट होती है हर रात। अच्छा अच्छी कहानी गढ़ी तूने, पर मैं तेरी कहानी से डरने वाला नहीं हूं। तू क्या सोचता है कि तू मुझे डरा देगा तो मैं डर जाऊंगा ताकि तू मुझे रात को आके फिर डराए? समझता हूं मैं तेरी चालें, मैं डरने वाला नहीं हूं आज। 12 बजने वाले हैं, हम लोग तो यहां से चले जाएंगे, फिर तुम खुद ही देख लेना हकीकत क्या है। 12 बजे तुझे पता चलेगा कि डर क्या होता है। एकदम मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा कभी होता है क्या? तो तुझे क्या लगता है कि रात को कुछ नहीं होगा? होगा तो, पर कोई भूत भूत नहीं होगा, ये अपना अश्विन ही मुझे डराने की कोशिश करेगा। ठीक है, यही समझ ले, 12 बजे के बाद तुम खुद ही देख लेना। तुम्हारे काम आए। क्यों, तुम्हारे भूत के हार्ड पास के बने हुए? मैं कभी भी अकेला यहाँ रात को रहा नहीं हूँ, पता नहीं रात को क्या घट जाए तुम्हारे साथ। तुम इसे रख लो, अश्विन चलो। अश्विन ने कुछ छुपा के तो नहीं रखा? तेरे भूतों से क्या, किसी से भी डरता मैं? बुच्चा डरा था मुझे, बुच्चा डरा था मुझे। ₹500 रख तैयार तो अश्विन। चीयर्स मेरे भूत प्रेतो। सॉरी हाँ, एक ही ग्लास है, वरना मतलब तुमको भी ऑफर करता, मतलब अगर आप लोग चाहे तो मतलब इस बोतल से भी पी सकते हो।
अपने 500 रुपए तैयार कर लिया, मैं तो बूढ़ा हो गया पूरा, मैं तो चला सोने। भूतों, मेरे प्रेतों, तुम भी सो जाओ, बहुत टाइम हो गया। किधर है पकड़िया? मुझे भूख लगी है। मैं तेरे लिए अंडा बना के ले आती हूँ, ठीक है नेहा? हाँ नेहा, नेहा
तेरी पोल खुल गई, तेरी पोल खुल गई अश्विन। मुझे पता तू किधर है। उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ था ये किसी को पक्का मालूम नहीं, लेकिन अगले दिन लोगों ने अनुमान लगाया कि पूर्वी ने नेहा के लिए डिनर बनाया, फ्राइड एग, और खुद शावर लेने चली गई। बाथरूम से जब वो बाहर आई तो नेहा के पास जाकर बैठी थी, क्योंकि नेहा बहुत जल्दी डर जाती थी। नेहा को उसने सांत्वना दी, कहा कि डरो मत, और अचानक बिजली चली गई। बाजू वाली बिल्डिंग का वॉचमैन साहब, मगर साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शाम चलो यार तुम। हाँ साहब, सवेरे 7 बजे तक हमारी ड्यूटी है। पिछले 1 घंटे से हमने यहाँ पे किसी को देखा? नहीं 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 देखा साहब। एक नौजवान लड़का, शायद 3 और भी हो सकते हैं। हाँ साहब,
एक नौजवान लड़का तो देखा मैंने। कहाँ? किधर किधर? यहीं पे। आपको आपको देखा ना? देखो साहब, अपन यहाँ ड्यूटी करते हैं इसीलिए यहाँ पर है, वरना इस घर के आसपास कोई नहीं भटकता, ना ही किसी को भटकना चाहिए। क्यों? क्यों? अरे साहब, आप तो इसी बंगले से आए हैं, आपको नहीं मालूम इस बंगले में भूत रहते हैं। 20 साल हो गए होंगे, 2 लड़कियों का कत्ल हुआ था इसी में। यानी अश्विन सच कह रहा था। अच्छा मुझे तुम्हें बताओ, कहाँ गए वो यार? अरे चुनाव, अरे चुनाव, ये जगह ठीक नहीं है, ये जगह ठीक नहीं है, जरूर कोई गड़बड़ है, शायद शायद अश्विन सच कह रहा था। मुझे मुझे अभी चलना चाहिए घर, मुझे अभी चलना चाहिए घर, लेकिन नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं डरता उससे। पता नहीं अश्विन ने किया कैसे, लेकिन मुझे मालूम है ये उसी की चाल है। मैं नहीं डरूंगा तुम्हारी चालों से अश्विन, मैं नहीं डरता तुम्हारी चालों से, मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरने वाला, मैं आज यही रुकूंगा, आज मैं यही रहूंगा, आज मैं यही रहूंगा, आज मैं यही रहूंगा अश्विन। देखता हूं, देखता हूं तो कितना करता है, मुझे मालूम अश्विन। अच्छा मुझे और डराएगा ना तू, चल। अब तक तो उसका चेहरा देखने लायक होगा, बहुत बढ़ चढ़ कर बातें बोल रहा था। तुझे क्या लगता है वो सचमुच में डर जाएगा? वो क्या, कोई भी डर जाएगा, मैंने इंतजाम ही ऐसा किया है, अपनी गर्लफ्रेंड की आवाज टेप की है और स्पीकर इधर उधर छुपा दिए, और वो खूनी हाथों के धब्बे मैंने पूरे बंगले में लगाए थे। उसको अब तक पूरा यकीन हो गया होगा कि भूत है उस बंगले में। लेकिन असल में वो बंगला है किसका? मेरे डैड एस्टेट एजेंट है, उनके पास ये बंगला बहुत पहले से पड़ा हुआ था, कोई भी खरीदने को तैयार नहीं है, एक तो महंगा बहुत है, ऊपर से टूटा फूटा है यार। और तूने वो जो अपनी फैमिली वाली कहानी सुनाई मेरी वो 2 कजन सिस्टर की मौत की कहानी है, वो सब बंडल था यार। एक्चुअली मैं आज से 20 साल पहले वहाँ 2 लड़कियों का खून हुआ जरूर था, पर उसी पुरानी कहानी में मैंने नमक मिर्च लगाया था, और वो जो मोहन से मैं 100 रुपए हारा था ना, उस शर्त का बदला भी तो लेना था मुझे, और अब 100 रुपए से 500 रुपए वसूल करूंगा, और फिर उसकी शक्ल देखने वाली होगी। अब चले अभी? हाँ वापस जाना है वहां। अबे अभी तो मजा आएगा उसे डराने में। नहीं बॉस, आज रात के लिए इतना ही काफी है, चलना सवेरे चलेंगे। कितना डरपोक है यार, अब तो तुझे सब कुछ पता है। देख अब उसे डराने में बड़ा मजा आएगा, बहुत दिलेर बनता था ना अपने आप को। चल चलो चलो चल चल। Ah!
मोहन 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 तो ठीक तो है ना मोहन मोहन लगता है बेहोश हो गया मोहन 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 तुझे क्या हुआ सगड़ी लाश निया पूर्वी मोहन क्या हुआ तुझे तुम मरने वाले हो अभी क्या बक रहा है कौन मरने वाला है लगता है इसे यकीन हो गया कि यहाँ पर भूत है मोहन मोहन वो सब कुछ मैंने किया था यार तुमने किया हाँ वो दरवाजे खटखटाना वो आवाजें वो लड़कियों का वो सब कुछ मैंने किया था यार मोहन यानी वो कोई भूत नहीं था मोहन यहाँ कोई भूत नहीं है यार कोई खून नहीं था कोई भूत नहीं था मोहन मोहन तो फिर वो क्या है मौत और डर से बहुत ऊपर उठ चुका हूँ इसमें